क्योंकि सन 92 में हम सबसे पहली बार खाटू बाबा से जुड़े थे और तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खाटू श्याम तो ऐसे हैं कि जो भी उनके भक्ति में लीन होता है वो उसी के हो जाते हैं। इसमें आप सभी के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का कि किसी भी तरह श्याम बाबा का प्रचार घर घर तक हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो पूरा मंडल आपका धन्यवाद करता है, सभी मीडिया कर्मचारियों का, अधिकारियों का और सभी नगरवासियों का। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यह मंडल लगातार 30-32 वर्षों से काम कर रहा है और इस बार मैं समझ सकता हूँ कि 32वां जो कीर्तन है, क्योंकि सन 92 में हम सबसे पहली बार खाटू बाबा से जुड़े थे और तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो इसलिए इस बार 32वां हमारा जो कीर्तन है ये बैठ रहा है। इसमें आप सभी के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमियों तक ये सूचना पहुँचे आपके माध्यम से और सभी अपनी हाजिरी बाबा के श्याम के चरणों में लगाएं। किस तरह का 5 दिवसीय कार्यक्रम? देखिए, शुरू के दिन आपको दिखा दूं मैं, आपको एक निशान यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 2100 के आसपास हमारी माताएं बहनें भाई युवा साथी सभी निशान लेके चलेंगे। अग्रवाल धर्मशाला से यात्रा शुरू होगी, उसके बाद फिर ये पूरे शहर में भ्रमण करती हुई, इसमें जो दरबार है वो अलग तरीके से सजाया गया है श्याम बाबा का, और इसमें 2 बैंड हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, एक आगरा से है, एक मथुरा से है, एक हरिद्वार से है और एक अपना रुड़की से है, हमारा कमेटी बैंड है वो रहेगा। और इसमें जो व्यवस्था की गई है हमारे मंडल की ओर से, वो यही उनका हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह श्याम बाबा का प्रचार घर घर तक हो जाए। भजन गायक से पहले मैं आपको बता दूं, 20 तारीख से 22 तारीख तक शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खाटू श्याम जी की जो कथा का आयोजन किया गया, यह मंडल के द्वारा पहली बार रुड़की शहर में हो रहा है। ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम होगा। इसमें जो नाट्यक्रम के तहत पूरी तरीके से समझाएंगे वो मुंबई से हमारी टीम आ रही है, और फिर 23 तारीख को हमारा भजन सम्राट कुमार गौरव जी हमारे बीच में रहेंगे और हमारी स्वर कोकिला अवार्ड से सम्मानित बहन कुमारी बहन अपनी उमा लहरी जी रहेंगी और निखिल अग्रवाल भिवानी से रहेंगे। जो श्रृंगार है वो हमारा दिल्ली से आएगा, कोलकाता के लोगों के द्वारा श्रृंगार किया जाएगा, और 23 तारीख को मुख्यतः 23 तारीख को विदेशी फूलों के द्वारा श्याम बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। और जो छवि है, छवि की जो सेवा है वो कशिश पटियाला से है, कशिश पाहुआ जी, और जो दरबार आएगा वो जिंद चंडीगढ़ से आएगा। क्या मानते हैं कि अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, एक कार्यक्रम भी हुआ है इसके बाद भी हो रहे हैं, तो क्या एक बैनर के एक मंच की तरह सब लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन क्या होता है कि सबकी विचारधारा एक अलग होती है। कुछ लोगों की विचारधारा केवल अपने परिवार तक सीमित है, उन्होंने अब जो मंडल बना रखे हैं उसमें वो अपने घर घर के ही मंडल बना रखे हैं, सब घर के ही व्यक्ति हैं, और हमारे मंडल में आप देख सकते हैं सब समुदाय से, चाहे त्यागी समुदाय हो, चाहे सैनी समुदाय हो, चाहे वर्मा समुदाय हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे बणिया समुदाय, तो सभी लोग हमारे मतलब हमारा मेरा जो उद्देश्य है, इन्होंने सब लोगों ने मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं इन सबका धन्यवाद हाथ जोड़ कर करता हूँ कि इन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री होल्ड कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। निशान की बात कर लें तो कोई जी वहाँ पे भी जाए खाटू श्याम के दरबार में, वहाँ से लेंगे और किसी नहीं, क्या होता है कि दरबार तो हम हर महीने जाते हैं, वहीं से निशान जो आएंगे हमारे वहीं से आएंगे, और जो निशान जाएंगे यहाँ पे दुर्गा चौक से शुरू होंगी, निशान का कोई शुल्क किसी प्रकार का मंडल के द्वारा नहीं रखा गया है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक सूचना सभी को दे दूँ कि हमारे रुड़की शहर के जितने भी पुरोहित समाज से हमारे हैं, ब्राह्मण समाज से, जितने भी हमारे मंदिरों के सभी पुजारी और जो हमारे पंडित लोग हैं वो सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, और रुड़की शहर में जितने भी हमारे दरबार वाले माता रानी से जुड़े हुए सभी को मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि सभी के पास हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपकी आवाज़ आपके माध्यम से सभी के पास पहुँच जाती है। सभी को जय श्री श्याम, और मैं कहूँगी इसमें पुरुषें नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, क्योंकि खाटू श्याम तो ऐसे हैं कि जो भी उनके भक्ति में लीन होता है वो उसी के हो जाते हैं। और 5 दिवसीय प्रोग्राम है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि इस 5 दिवसीय प्रोग्राम में ज़रूर आइए, इस कार्यक्रम में भाग लेके अपने आप को धन्य बनाइए और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लीजिए। निशान यात्रा में भी किस लोगों का आह्वान किया गया, क्या कहेंगे महिलाएं?
बिल्कुल 2100 निशान यात्रा का वो है भव्य आयोजन, जो कि आपका अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर और शाम को विराम होगा आपका दुर्गा चौक पे, और वहाँ पे जो आपका रहेगा रात को, जो हर महीने कार्यक्रम किया जाता है उसका आयोजन होगा, और उसके बाद अगले दिन मेहंदी का है जिसमें भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और श्री श्याम बाबा के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाती हैं। और उसके बाद आपको 20 से 22 तक कथा का श्रवण होगा, जो वृंदावन से आएंगे श्री सत्य कृष्ण जी, और उनके लिए टीम मुंबई से आएगी, और वो कथा बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि श्रवण करने के लिए बहुत ही शुभ है। और उसके बाद 23 को जो रहेगा आपका वो संध्या का रहेगा, बहुत बड़ी उसका, और 8:30 से शुरू हो जाएगी और जब तक खाटू श्याम बाबा चाहेंगे तब तक चलेगी।